बड़वानी जिले के किसानों के लिए 2020 का साल पूरी तरह से परेशानी से भरा रहा है। पहले लॉकडाउन, अतिवृष्टि और अब सब्जियों के भाव नहीं मिलने से किसान परेशान हैं। जिला मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर दूर सजवानी गांव में गिल की फसल तैयार हो चुकी है, लेकिन गिल की का भाव किसानों को नहीं मिल पा रहा है। किसान इस पूरे वर्ष किसी न किसी कारण से परेशान रहा है। किसान सब्जी खेत से निकालने में लगे हैं, लेकिन जब उसे निकाल कर बेचने की बारी आई तो कोई लेने को तैयार नहीं है। परिवहन के साधन नहीं मिल रहे हैं, ऐसे में किसान खेत से निकाली हुई सब्जी पशुओं को खिलाने को मजबूर है। किसान विनोद सेप्टा ने बताया कि 20 किलो का एक बॉक्स बनता है, ऐसे गिलकी के 66 बॉक्स बनाकर हमने इंदौर बेचे और एक बॉक्स 30 रुपए में बिका। 66 बॉक्स के टोटल 1980 रुपए मिले हैं। अब इन 66 बॉक्स को इंदौर लाने का खर्च 2850 रुपए लग गया। बड़वानी से अतुल कुमावत की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? सुनील सेप्टा। सुनील, कहाँ रहते हो आप? सजवानी। क्या काम करते हो? खेती। क्या दिक्कतें आ रही है गिलकी को लेकर? गिलकी का अभी जो भाव है किसानों के लिए, जो मजदूरी भी नहीं आ रही है, उसके लिए किसानों को कुछ करना चाहिए। और उसका भाव पहले पुराना था, उस 15-16 रुपये, अभी तो कुछ भी नहीं आ रहा है। और क्या कर रहे हो अभी गिलकी को? अभी गिलकी जानवर खिला रहा हूँ सर। तो बेचने में क्या दिक्कतें आ रही है? बेचने में जो ट्रांसपोर्ट जाता है, उसका ट्रांसपोर्ट का भाड़ा भी नहीं आता है और मजदूर की लगाई भी नहीं आती है। इसलिए कुछ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से ये कहना है कि किसानों को एकता करें, वो भाव फिक्स करें। क्या है किसानों की कंडीशन क्या है अभी? सर, किसानों की कंडीशन है कि आत्महत्या कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? विनोद सेप्टा। विनोद, क्या करते हो आप? खेती करते हैं। कितने एकड़ खेत है आपका? 10 एकड़। क्या बोया है खेत पर? 10 एकड़ में मिर्ची भी है और मक्का भी है, टमाटर है, लेकिन 3 एकड़ की उसमें गिलकी है। क्या दिक्कत आ रही है गिलकी को लेकर? गिलकी को लेकर दिक्कत ये आ रही है कि 1 लाख रुपये से ज़्यादा की लागत हमने लगाई है 3 एकड़ में, और आज गिलकी का भाव क्या कोई बता ही नहीं रहा कि कोई ले। आज मेरे यहाँ टूटी है गिलकी, हमने ढोरों को खिलाई है, और किसान की सब दूर से मौत हो रही है। ना तो कोई सब्जी का भाव है, खाद के भाव बढ़ते जा रहे हैं, दवाई के भाव बढ़ते जा रहे हैं, सरकार का ध्यान न जाने किधर है। किसान की तरफ ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सरकार को। इसको इंदौर बेची थी तो क्या हुआ? इंदौर बेची थी, 66 बॉक्स थे मेरे गिलकी के, 30 रुपये बॉक्स में, एक बॉक्स के हिसाब से बिका है, टोटल बिका था 2,850 रुपये, 1900 रुपये का, और उसमें खर्चा आया 2,800 रुपये, तो माइनस में 850 रुपये बिल आया है। 66 बॉक्स गिलकी भी पहुँचाई है और 850 रुपये और मांग रहे हैं, कैसे बेचे सब्जी? पहले क्या भाव था और अभी मंदी क्या हो गई है? पहले भाव 14-15 रुपये था पूर्व में, लेकिन अचानक भाव पूरा गिर गया है, तो कैसे बेचे? और अभी अभी चालू हुई है सभी की गिलकी, सभी किसानों की। मेरे यहाँ 3 एकड़ की है, 1 लाख से ज़्यादा का खर्च हुआ है हमारे पास। क्या चाहते हो? यही चाहते सरकार से कि भाव बढ़े, ताकि किसान थोड़ा खुशहाल तो रहे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।